कि बिद्दत क्या होती है, बिद्दत के बारे में बहुत बातचीत होती है कि ये बिद्दत है वो बिद्दत है, तो वो बिद्दत की सही तारीफ जानना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा लंबा सवाल कर दिया है, तो सवाल तो छोटा है जवाब बहुत लंबा है। बहरह बिद्दत का मतलब यह है कि असल में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो चीज़ मेरे दीन में नहीं है उसको दीन बना के जो पेश किया जाएगा तो फरमाया कि वो मर्दूद है, कि मा अहदसा फ़ी अमरीना हाजा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। ये नबी ने फरमाया कि ऐसी कोई चीज़ घड़ ली आपने मेरे इस दीन के अंदर जो इस दीन का हिस्सा नहीं थी, फहुव रद्दुन, वो मर्दूद है, और हर मर्दूद चीज़ गुमराही है, और हर गुमराही जो है वो जहन्नम की आग के अंदर डाली जाएगी। तो असल में ये है बिदअत की हकीकत कि अल्लाह के नबी के दीन में वो चीज़ नहीं है, आपने उसको दीन बनाकर अल्लाह के नबी के दीन के अंदर ऐड कर दिया और कहा कि ये भी दीन है, सुन्नत है, तो ये होती बिदअत। या तो उसके फिर बहुत सी जुज़ियात और तफसीलात हैं, तो खुलासा इसका यही है कि जो कुरान से, हदीस से, सुन्नत से, इजमा जो है वो शरी से और क़ियास शरी से जो चीज़ है, इजमा उम्मत और क़ियास शरी से जो चीज़ साबित नहीं और आप उसको दीन बना के पेश कर रहे हैं वो बिदअत कहलाती है, और बिदअत ज़ाहिर गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। बहुत खूब।